माफिया अवैध खनन कर धरती का सीना चीरने से बाज नहीं आ रहा है, वहीं प्रशासन इस सबसे बेखबर है। खनन का ये काम माफिया रिवर ट्रेनिंग की आड़ में कर रहा है। इस सब का जायजा लिया दखल न्यूज़ की रिपोर्टर आरती वर्मा ने। रिवर ट्रेनिंग की आड़ में प्रतिबंधित भाग सुसवा नदी में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। खनन माफिया रात दिन अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र इस सब से आंखें बंद किए बैठा है। खनन माफिया को प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं है कि इससे राज्य सरकार को लाखों के राजस्व की प्रतिदिन हानि हो रही है या पर्यावरण को इससे कितना खतरा पैदा हो रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुसवा नदी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिवर ट्रेनिंग जारी होने के बावजूद भी अवैध खनन जोरों पर जारी है। दिन दिहाड़े अवैध खनन बाव किया रिवर ट्रेनिंग की आड़ में जो है अवैध खनन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिन दिहाड़े अवैध खनन जारी है। इनके हौसले इतने बुलंद है कि दिन दिहाड़े इनका जो कार्य सुबह से लेकर शाम तक शुरू हो जाता है और दिन भर जो इनका अवैध खनन है वो जारी रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें दखल न्यूज़ के माध्यम से सुसवा नदी की। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा पार्क जाके दिखाएं। चुगान की परमिशन वैध परमिशन जो है दी गई है, लेकिन फिर भी अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं खनन माफिया। डोईवाला तहसील में सुसवा नदी में रिवर ट्रेनिंग के नाम पर चुगान की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि प्रतिबंधित सुसवा नदी में रात दिन अवैध खनन किया जा रहा है। इस बात की शिकायत नदी से तहसीलदार को फोन के जरिए दी गई। घंटों बीत जाने के उपरांत भी अवैध खनन माफिया अवैध खनन करते रहे, लेकिन तहसीलदार डोईवाला द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे लगता है यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।